इंडिया ने टोटल रिफ्यूज कर दिया है कि हम पाकिस्तान जाके नहीं खेलेंगे। देश में बढ़ते आतंकवाद के बीच पाकिस्तान को भारत की एक और पटकनी मिली है। भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। खेल की दुनिया से खबर यह है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हठधर्मी बरकरार है। कि अपने ज़हन पे सवार नहीं करूंगा इसको। ये अपने लिए था, ये अपने दिल को साफ करना, अपनी टेंशन को बिना वजह की एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन। हम सोते ही रह गए और वहां पे अनाउंस भी हो गया कि इंडिया नहीं आ रहा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान। भारत ऐसा कोई स्टेप ले तो उनकी वजह से हम दुबई शिफ्ट कर दें, यूएई शिफ्ट कर दें। अल्टरनेटिव वेन्यू, दो वेन्यू की बात की जा रही है, यूएई और श्रीलंका। हम पाकिस्तानियों का जनरली पिछले कोई 15 साल में इंडियंस के मुकाबले में एक इंफीरियोरिटी वाला एक आ गया है। यस, देयर इकॉनमी हैज डन वेल, दे हैव बिकम वेरी गुड इन फ्यू थिंग्स एंड ऑल। हमारा देखे तो हमने जनरली एक शायद उनमें वो यही कह रहे थे कि जी पाकिस्तान तो भारतीय टीम आ रही नहीं, तो आप तैयारी किस बात की? आईसीसी कोई किरदार अदा कर सकता है क्या? क्या आईसीसी, एक्चुअली मैं तो हमेशा कहता हूँ आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट बोर्ड या इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। ये इंडियन इसलिए उनके पास पैसा है, स्पॉन्सरशिप है, तो वो उसको कंट्रोल कर। जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार पाकिस्तान का जो हवा उड़ा है, पाकिस्तान की जो भी क्या कहते हैं उसे एक जो सपने थे सपनों को भारतीय क्रिकेट टीम ने बीसीसीआई ने जो चकनाचूर किया है। भैया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान में स्केड्यूल की गई है, अब शायद ही वहाँ हो पाए या फिर भारत के मैच एटलीस्ट वहाँ ना हो, जिससे सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप मिलती है, जिससे सबसे ज़्यादा पैसा जनरेट होता है, एडवर्टाइजमेंट्स आती है। तो हुआ यह है कि ANI के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान में जो होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी वहाँ पर भारत जाके शिरकत नहीं करेगा, वो वहाँ पर जाके नहीं खेलेगा। तो ये सुन के पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड रोने पर मजबूर है और शायद उनके सपने चूर चूर हो गए, क्योंकि जो पैसा उनके पास में आने वाला है, कंगाल का जो पैसा आने वाला है, वो पैसा शायद उनको नहीं मिलेगा। ICC जो BCCI की बात कभी नहीं टाल सकती। और जय शाह, क्या स्टेटमेंट है आपका, भले ही अभी वो ऑफिशियल नहीं है बट फिर भी किसी सूत्रों से अगर कुछ चीज़ आती है तो इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं एक आउटकम आने वाला है और डिसीजन कहीं ना कहीं वही होती है। तो वीडियो को देखते मजा लेते वीडियो का, और हाँ पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा हंस भी लेते। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय। सोते ही रह गए और वहां पे अनाउंस भी हो गया कि इंडिया नहीं आ रहा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान। खैर, जब मैंने फिर खबर देखी ANI एशियन न्यूज इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है इंडिया की, तो उन्होंने खबर चलाई हुई है, उनकी तरफ से यह खबर आई है कि जी अंदर से BCCI के किसी सोर्स ने बताया इंडिया वॉन्ट बी कमिंग टू पाकिस्तान फॉर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और डिमांड करेंगे कि हाइब्रिड मॉडल, बिल्कुल जैसे कि एशिया कप हुआ था उसी तर्ज का ये मॉडल हो कि इंडिया अपने मैचेस या तो UAE में खेले या श्रीलंका वगैरह में, यानी कहीं और खेले, पाकिस्तान में अपने मैचेस नहीं खेले। और फिर इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल वगैरह जब पहुंचेगा तो वो भी जाहिर है कि फिर वहीं पर ही खेलने पड़ेंगे, UAE में या श्रीलंका वगैरह में, बिकॉज इट डज नॉट मेक सेंस कि आप अपने मैच वहाँ पर खेल लें लेकिन फाइनल सेमीफाइनल के लिए फिर आप एग्री कर जाएंगे ठीक है वो हम इंडिया पाकिस्तान में खेल लेंगे, तो फिर पूरा जो पर्पज़ है पहले ना करने का वो पर्पज़ ही फोत हो जाएगा। तो खैर, ये काफ़ी दिनों से चल रहा है सोशल मीडिया पे, या कुछ यहाँ से कुछ पाकिस्तान से कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, फिर उसकी कंट्राडिक्शन में कुछ रिपोर्ट्स वहाँ से आती हैं, तो आज सुबह सुबह की कहानी है। अब यहाँ पे हमने अपने ग्राउंड सही करवा लिए हैं, वो कजाफी स्टेडियम तोड़ तड़ा के उसकी बुरी हालत कर करा के, मतलब पूरा सीमेंट सरिया बजरी छजरी सब कुछ मतलब ले गए हैं, अब नई कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है और वहां से ये खबर आ रही है कि जी हम नहीं आ रहे। अच्छी रेपुटेशन है उन्होंने ये बारह खबर चलाई है कि देखें, दो तीन तरीके होते हैं ना। एक तरीका होता है कि BCCI अपनी प्रेस रिलीज जारी कर दें, या जिस तरह एशिया कप के दिनों में हुआ था कि नहीं जी हाइब्रिड मॉडल में होगा वैसे नहीं। एक तरीकाकार ये होता है, जेशा कुछ ट्वीट कर दे, या BCCI की जब बात आती है तो जेशा ही मुंह से निकलता है, हालांकि रॉजर बिनी साहब भी हैं लेकिन वो बेचारे कहीं छुपे छुपे से रहते हैं, जेशा ही है हर तरफ। तो जेशा या तो कोई खुद कोई ऐसा कोई ट्वीट कर दे, कोई बयान दे दे, या रॉजर बिनी या BCCI खुद ऐसी कोई प्रेस लिस्ट जारी कर दे, तो वो तो होती है पत्थर पे लकीर कि हाँ भाई एक ऑर्गेनाइजेशन ने खुद से अनाउंस कर दिया और इस बंदे ने अनाउंस कर दिया या एज आ ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस कर दिया, हाँ ठीक है नहीं जा रहा। फिर दूसरा तरीका होता है कि आपका खुद से अनाउंस नहीं किया लेकिन किसी अच्छी अच्छी रेपुटेशन की न्यूज एजेंसी को या न्यूज़पेपर को या अखबार को, न्यूज़पेपर अखबार या टीवी चैनल को, आजकल तो डिजिटल मीडिया का भी जमाना है, या किसी
डिजिटल वाले से इंटरव्यू में बात करते हुए कोई अच्छा बड़ा ओहदेदार बीसीसीआई का, वो ये कह दे कि हाँ ठीक है जी हमने नहीं जाना। लेकिन बात करेंगे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की। जी हाँ, कहा ये जा रहा है कि पाकिस्तान में ये चैंपियन ट्रॉफी होगी, और अभी हम कई शोज में, इंडियन शोज में भी जो मैं जा रही हूँ, तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि जी भारत की टीम जो है वो खेलने के लिए नहीं आएगी। खैर ऐसा होना नहीं चाहिए, एज अ पाकिस्तानी मैं तो ज़रूर चाहूँगी कि भारत से लोग आएँ और हम उन्हें वेलकम करें, लेकिन ये कि ये ज़रूर है कि बहुत से लोग जो हैं वो ये चाहते हैं भारत से कि जी यहाँ पे पाकिस्तान के लिए लोग ना आए। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि आने दीजिए ना, क्यों आप लोग ऐसे कर रहे हैं। कभी कभी तो हमारे यहाँ कुछ टूर्नामेंट या कुछ होता है, ज़्यादातर तो आपको पता ही हमारे यहाँ कुछ होता हुआ था नहीं पाकिस्तान में, तो कभी कोई फेस्टिवल या कोई क्रिकेट वगैरह हो रही हो तो फिर आने दिया करें, आप लोग इतना क्या भड़क जाते हैं। लेकिन खैर देखते हैं कि लोग आते हैं या नहीं आते, मेरा मतलब है वो क्रिकेट टीम के लोग आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन ये ज़रूर है, मैंने सुना है कि जो भारत के लोग हैं यानी जो पब्लिक है, बहुत सारी पब्लिक तो नहीं लेकिन काफ़ी सारी पब्लिक है, वो चाहती है कि लोग ना आए पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में जो तैयारी कर ली गई है, आज भी मैं एक टीवी शो में गई थी और ये भी एक दो टीवी डिबेट्स हैं, तो उनमें वो यही कह रहे थे कि जी पाकिस्तान तो भारतीय टीम आ रही नहीं है, तो आप तैयारी किस बात की कर रहे हैं। तो देखें, हम मेज़बान हैं, हम होस्ट हैं, और अगर हम लोगों को जो है वो इन्वाइट करेंगे तो तैयारी तो करनी होगी ना मेहमानों के लिए। ये तो अब मेहमानों पर डिपेंड करता है कि वो आते हैं या वो नहीं आते हैं, लेकिन हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश होगी कि हमारी तरफ से कोई कमी ना रह जाए, हम सारी तैयारियां मुकम्मल करें और अपने आने वाले जो मेहमान हैं उनको वेलकम करें। पाकिस्तान में अगर मैं ये कह दूँ आपको कि जी बाकी खेल तो हो रहे ना, अगर टेनिस हो, बैडमिंटन हो, कबड्डी हो, कुछ भी हो, तो आप यहाँ से लोग आ रहे होते हैं। और बल्कि लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल जो है वो टेनिस का या बैडमिंटन का जो टूर्नामेंट था वो पाकिस्तान में हुआ था, तो इंडिया से टीम आई थी और हम लोग जो है उनसे मिले भी थे, लोगों से भी मिले थे जो वहाँ से आए थे, उनसे भी मिले थे और उनकी दावत शावत भी की थी और डिनर भी चले थे और मिलना जुलना भी हुआ था, मुझे तो खैर कुछ गिफ्ट भी मिले थे। तो मैंने कुछ गिफ्ट भेजे भी थे अपने जो मेरे दोस्त हैं ना भारत में, उनके लिए गिफ्ट भी भेजे थे और उन्होंने भी मुझे